हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक बार फिर से हम यूपीएससी के ट्रिकी इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। और जैसे कि हमारा फॉर्मेट होता है कि एवरी क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको 5 सेकंड्स का टाइम मिलता है, तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन से। तो फ्रेंड्स, आपको जो स्क्रीन पे कुछ डॉट्स दिए गए हैं उनको आपको 4 स्ट्रेट लाइन्स की हेल्प से सभी को ज्वाइन करना है, बट इन सभी पे कुछ कंडीशंस अप्लीकेबल है। तो आपका क्वेश्चन ये है कि इन सभी कंडीशंस को फॉलो करते हुए आपको इन सभी डॉट्स को 4 स्ट्रेट लाइन्स की हेल्प से ज्वाइन करना है। तो फ्रेंड्स, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है उस तरीके से हम इन सभी को 4 स्ट्रेट लाइन्स की हेल्प से ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी लाइन्स को थोड़ा सा एक्सटेंड करके हम ये आसानी से कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा माउंटेन है जो हर दिन अपना कलर चेंज करता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है उल्लू रॉक। इसे अयर्स रॉक भी कहते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न टेरिटरी में पाया जाता है और ये सनराइज और सनसेट के टाइम पे अपना कलर चेंज करता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको बताना है कि ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जिनका जो ब्लड होता है वो ब्लू कलर का होता है। तो फ्रेंड्स, इसके राइट आंसर है ऑक्टोपस, हॉर्स शू क्रेब और कुछ इंसेक्ट्स हैं, इनके जो ब्लड होते हैं वो नीले रंग के होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बताइए कि ऐसी कौन सी चीज है जो अक्सर गिरती रहती है पर कभी भी उसको चोट नहीं लगती है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है रेन, बारिश। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा शहर है जहां पे 5 सूर्य हमें एक साथ देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आसमान में एक साथ 5 सूर्यों का दिखना अपने आप में एक बहुत ही दुर्लभ दृश्य है, बहुत ही रेयर दृश्य है। तो ये जो दृश्य है वो हमें उत्तरी चीन के शहर सिंगनियांगचू में देखने को मिलता है। तो अगला क्वेश्चन है कि दुनिया में ऐसा कौन सा फूल है जिसका वेट 10 केजी तक होता है। 10 केजी। तो फ्रेंड्स, दुनिया में एक ऐसा फूल है रेफ्लेशिया जो इतना भारी होता है, इसका वेट 10 केजी तक होता है और ये हमें इंडोनेशिया में मिलता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा बैग है जो भीगने पर ही काम आता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है टी बैग। अब अगला क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन। ये काफी ट्रिकी है, इसका ध्यान से सुनिएगा और ट्राई कीजिएगा इसका आंसर देने की। इफ यू हैव 3 यू हैव 3 इफ यू हैव 2 यू हैव 2 बट इफ यू हैव 1 यू हैव none। तो बताइए व्हाट इज इट। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है चॉइसेस। अगर आपके पास 3 चॉइसेस है तो आपके पास 3 चॉइस है, अगर आपके पास 2 चॉइसेस है तो आपके पास 2 चॉइस है, बट अगर आपके पास 1 चॉइस है तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है कि किसी इंटरव्यू के दौरान एक इंटरव्यूअर ने कैंडिडेट से पूछा कि या तो मैं आपसे 10 इजी क्वेश्चन पूछूंगा या एक बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछूंगा। तो फ्रेंड्स, बताइए कि उस कैंडिडेट को कौन से क्वेश्चन को चुनना चाहिए। तो फ्रेंड्स, उस कैंडिडेट ने एक बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन को चुना और इंटरव्यूअर ने उससे डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा। उन्होंने पूछा कि बताइए कि पहले दिन हुआ कि रात, तो आप बताइए कि इसमें आपका आंसर क्या होगा और क्यों होगा। तो फ्रेंड्स, इसमें कैंडिडेट ने जवाब दिया कि पहले दिन हुआ। तो फिर से इंटरव्यूअर ने पूछा कि क्यों हुआ, तो आप बताइए कि आखिर आप इसका जवाब क्या देते और क्यों देते। तो फ्रेंड्स, इंटरव्यूअर को कैंडिडेट ने कहा कि पहले दिन हुआ सर, क्योंकि जब इंटरव्यूअर ने उससे पूछा कि क्यों हुआ तो उन्होंने कहा कि सर, आपने प्रॉमिस किया था कि आप मुझसे एक ही डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेंगे और आप अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ सकते, आप मुझसे दूसरा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो अपनी बहुत ही चतुराई से उस कैंडिडेट का सिलेक्शन उस जॉब में हो गया।
तो ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोई यहाँ सिक्स एक बास्केट है वहां पे, उसमें सिक्स एप्पल्स है और वहीं पे सिक्स गर्ल्स है किसी रूम में, तो आपको आपको उन सिक्स एप्पल्स को सिक्स गर्ल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और इस तरह से करना है कि एक एप्पल बास्केट में भी रह जाए। तो बताइए कि आप कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप अपने जो फर्स्ट फाइव गर्ल्स है उसको फाइव एप्पल्स दे दीजिए, और जो सिक्स्थ गर्ल है उसको बास्केट समेत ही वो एप्पल दे दीजिए। इससे जो सिक्स एप्पल्स है वो सिक्स गर्ल्स में डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाएंगे और एक एप्पल बास्केट में भी रह जाएगा। तो हमारा आज के वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कि भारत का जो पहला अखबार है वो कब और कौन सा छपा था। तो फ्रेंड्स, जो भारत का जो देश का पहला अखबार था वो 29 जनवरी 1780 को छपा था, और इसका नाम था बंगाल गैजेट। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे कुछ जो पिछले वीडियोस हैं उनको अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ उन्हें देखिए। उन वीडियोस की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को टैप कर लें ताकि हमारी न्यू वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।